इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और लखनऊ से सीएम योगी इस वक्त लाइव है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। न्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत सवा चार वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत सवा चार वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरप्रस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भयमुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, यही माननीय गृह मंत्री जी ने
2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। आज जब इस अत्याधुनिक केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय गृह मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।